ये वो कहानी है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जोड़े किलर की पहचान आज तक क्यों नहीं हो पाई। इस कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के बेनिशिया शहर से। एक प्रेमी जोड़ा अपनी कार में बैठा था जब अचानक गोलियों की बौछार होती है। पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिलता। फिर कुछ ही महीनों बाद जोड़िक किलर का पहला लेटर अखबारों को मिलता है। उस खत में सिर्फ धमकी नहीं बल्कि कुछ कोडेड मैसेज थे। कातिल ने खुद को जोड़िक कहा और दावा किया कि वो अब और भी लोगों की जान लेगा। जोड़िक किलर ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किए, उसने पुलिस और मीडिया के साथ एक खौफनाक खेल खेला। हर कत्ल के बाद वो अखबारों को लेटर भेजता जिसमें कोडेड मैसेज होते। उसने दावा किया कि उसके इन संदेशों को कोई नहीं सुलझा सकता। उसके एक पत्र में उसने कहा, मुझे मारने का मजा आता है, ये मेरे लिए गेम जैसा है। जोड़िक ने एक और हमला किया, इस बार वॉलेजो शहर में। उसने पुलिस को एक फोन कॉल भी किया जिसमें उसने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस और जनता पर दहशत छा गई थी। जोड़िक किलर हमेशा अपने पत्रों में अपना साइन करता था, एक गोल घड़ी का चिन्ह जो आज भी उसकी पहचान बना हुआ है। इन सारे सुरागों के बावजूद पुलिस कभी भी उसे पकड़ नहीं पाई। वो रहस्य आज भी बरकरार है। जोड़िक किलर का आखिरी लेटर, इसके बाद वो गायब हो गया, लेकिन उसकी दहशत कभी कम नहीं हुई। कई सालों तक पुलिस, डिटेक्टिव्स और यहाँ तक कि आम जनता ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जोड़िक की पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि वो अब भी जिंदा है, जबकि कुछ का कहना है कि वो मर चुका है। 2021 में एक ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने जोड़िक की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस इसे साबित नहीं कर पाई। 50 साल बाद भी जोड़िक किलर का नाम गुमनाम रहकर इतिहास में दर्ज हो गया और शायद ये रहस्य कभी सुलझ ना पाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नए वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय।